सो बेसिकली आफ्टर आपको वहाँ पे जाने के पैसे गवर्नमेंट देगी, आपको वहाँ खाने के रहने के पैसे गवर्नमेंट देगी, देन आपको अलग से थोड़े बहुत स्टाइपेंड भी मिलता है, और ऊपर से आपको बाद में करने के बाद $15,000 स्कॉलरशिप भी मिलेगी, पैसा भी मतलब काफी मिलता है. सो दे गॉट लाइक 200 कैनेडियन डॉलर्स वीकली, दे सेव अराउंड 3 लाख. क्योंकि अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि आप कनाडा आ सकते हो अपनी इंटर्नशिप करने के लिए, और आपको यहाँ आने का खर्चा, यहाँ खाने पीने का खर्चा और यहाँ पे रहने का खर्चा, सारे के सारे खर्चे कैनेडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट देगी, और उसके बाद आपको अलग से आपके वो स्टाइपेंड भी मिलेगा इंटर्नशिप करने के लिए, और उसके ऊपर से इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद अगर आप किसी कैनेडियन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स अप्लाई करते हो तो यू विल गेट अ स्कॉलरशिप ऑफ अराउंड $15,000 ऑल्सो. तो बहुत अनरियलिस्टिक सा लगता है लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिहिका से, हु इज डूइंग हर इंटर्नशिप इन अ कैनेडियन यूनिवर्सिटी, और एक कैनेडियन प्रोफेसर के साथ वो अपनी रिसर्च कर रही हैं ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस. तो आइए देखते हैं कि आप इस तरीके की इंटर्नशिप कैसे ले सकते हो, आप कनाडा कैसे आ सकते हो अपनी इंटर्नशिप करने के लिए, और इतने सारे पैसे कैसे कमा सकते हो. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक यू टू प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है, क्योंकि यार अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, सो थैंक्स मिहिका मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए एंड इस वीडियो पे आने के लिए. तो यार सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ कि इन विच कॉलेज यू आर स्टडिंग एंड विच कोर्स यू आर डूइंग एंड वेयर आर यू फ्रॉम. सो थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड आई एम अ प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट. मैं अभी आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली से आई एम डूइंग माय इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एंड मेरा कॉलेज उसमें उस यूनिवर्सिटी में भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है. ये जो इंटर्नशिप है दैट इज माईटेक, इसके बारे में आपको कैसे पता लगा एंड कब पता लगा? ओके, सो माईटेक्स इंटर्नशिप जनरली आईआईटीज और एनआईटीज लाइक टॉप टियर कॉलेजेस को ही पता होती है. आई डोंट नो, लेकिन वहाँ पे रिसर्च बहुत ज्यादा रखा जाता है ऑन द प्लेट, तो फिर इसलिए माईटेक्स बेसिकली वहाँ पे फेमस है. एंड मेरी एक सीनियर थी लाइक फ्रॉम माई होम टाउन, सो आई गॉट टू नो फ्रॉम हर दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी. I got to know it in August, like when the application just started, and internship starts basically in the month of May or June. So that means you have to apply at least 8 or 9 months before it starts. Yeah, exactly. The portal is open for like around 2 months. So we can say it like you have to prepare it well in advance. So can you just explain what MyTax is? Okay, so MyTax is a non-profit organization. Its motto is to promote research in Canada, like industrial research, so that काफी जो youngsters हैं उनके जो रिसर्च फोकस्ड माइंड्स है, दे कैन लाइक ब्रिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स लाइक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड बेसिकली रियल लाइफ एप्लीकेशंस. सो इन सब में रिसर्च फोकस्ड चीजें करना, वी कैन हैव great solutions technically as well as we have other subjects as well. Can you just explain the whole process like from applying to getting the internship, and how did you get the internship from MyTax? It has a quite long procedure. It consists of 2 waves in which students are selected, online portal, and we have to register on it. So it contains blanks for LORs and SOPs, kind of, we can say it research rationale and some other like basic information. So we have to fill it up in that. Firstly, speaking of research rationale, it's very important because before the applications go to the professors, the MyTax refine the students. So basically, the research rationale has to be very innovative and kind of thing, because the student has to explain why he or she likes research and what's the motive behind going in the research field. So it should contain that stuff, and that should be covered in like 100 words. So it has to be very selective and very appropriate to the mark. And if people include we have to study masters in Canada, or like we are willing to do higher studies in Canada, so they promote that kind of people. So ye wala point include karna kafi beneficial rehta hai. Plus LORs also play a very important role in this application, because as you know ki teachers, supervisors or teachers बेटर कोई जज नहीं कर पाता हमने अगर उनके अंडर में कुछ काम किया. सो रिसर्च क्यों मान लो किसी सुपरवाइजर के अंडर, सो यू कैन हैव एन एलओआर फ्रॉम दैट टीचर, एंड इफ दैट टीचर इंक्लूड्स लाइक टीम वर्क, लीडरशिप एंड ऑल दैट स्टफ, दैट्स वेरी बेनिफिशियल.
So that's about that portal. We must include research papers as well. Like if we have some published research papers, I had two in conferences, so that was quite beneficial. Okay. So it's very like user-friendly kind of platform, and we can like easily get it. What the stuff is going to be filled in. It's very easy, and just we have to be selective in what we fill. There are quite large number of projects, so we have to select only 7 projects. In my case, I selected around 98 first, then it came to 60, then it came to 36, and then 7. So that was my procedure to select. There are a lot of projects, and we have to decide what's apt for us. So we have to be well prepared ki jisme hamari skills hai. Because they have skills mentioned. Okay. Those 7 projects you have to select based on your skills. I guess only 3,000 or something people are selected from 12 countries around, which are included in the MyTax list. There are students ke paas opportunity hai that they can come to Canada. Yaar, mereko kyun nahi pata thi? Jab main padh raha tha, to mereko is opportunity ke bare mein kyun nahi pata tha? I also feel very grateful not being in IITs or NITs and knowing this opportunity. Main agar hota, to main to definitely har saal apply karta, jab tak main 4 saal apni BTech kar raha tha. So portal wala ye cheez ho gaya, isme important information, documents and all that stuff we have got. So iske baad MyTax refine karega based on your application, candidature, what do we say, ki aapka aap agar eligible ho, like we have 75% criteria of percentages in from India, people who have 8.6 se plus CGPA. So they have like a safe mark ki matlab unka ho jayega kafi cases mein. So first criteria is CGPA, then they move to research rationale and then LORs. The 3 stages hoti hain jisme candidates ko rakha jata hai. First is candidate under consideration. It means that it has 1.5 months period. Tumhare paas ye title rahega, and the 7 projects you have selected, to un professors ke paas your candidates will be sent. It depends on the professor then. कि वो तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहेगा या नहीं. उसके बाद वी हैव वेटिंग क्राइटेरिया. सो वेट लिस्टेड आर वेटेड फॉर लाइक सेकेंड वेव एंड थर्ड इज रिजेक्टेड. सो फर्स्ट वेव में जो रिजेक्ट हो जाते हैं, सो दीज 3 थिंग्स आर देयर, दीज 3 स्टेजेस व्हाट वी कैन से. अब वी आर डन विद फर्स्ट वेव. तो प्रोफेसर्स का जिनके पास आया एंड दे आर सिलेक्टेड, तो फिर उनका तो फाइनल है. And the same procedure follows for second wave as well. So, usme bhi candidate under consideration, rejected and waitlisted, sab aayega. Isme kaun-kaun si companies hoti hai? Like projects hote kiske hain? Government ke projects hote hain, kisi private organizations ke projects hote hain? Kiske projects hote hain? Okay, so isme as we have professors, like professors khud hi apne projects dalte hain, jinhe wo patent karaye ya fir matlab aise jinki publications ho. It's not specifically of companies. उस बात पे आते हैं जिसमें सब interested है कि यार पैसे कितने मिलते हैं internship करने के. Unfortunately हम नहीं गए. हम लोगों का साल में कोई भी नहीं गया because of COVID. So yeah, that was very unfortunate. लेकिन जो लोग जाते हैं, we have like a weekly stipend for them. I talked from my seniors, so they got like $200 Canadian weekly for eating, accommodation and all that stuff. For visa, I guess they get around $150 Canadian. Plus, their air flights are all covered. It's like $5,500 Canadian or something. It's that amount given for flights. So, aram se India aake, bahut logon se maine suna hai, they save around 3 lakhs. Kyunki kha lete hain kuch bhi, matlab, they don't care. Paisa bhi matlab kaafi milta hai. So, you can easily save a lot of money. साथ में कैनेडियन यूनिवर्सिटी में आप इंटर्नशिप कर रहे हो और साथ के साथ 3 लाख रुपए भी बचा रहे हो और वह कैनेडा में. Exactly. That's great. Exactly. You make a lot of contacts और वहाँ पे foreign land पे you have new persons to meet and research पूरा अगर आपका professor के सामने ही चल रहा है, so that's like a different scenario बिल्कुल. और साथ के साथ आपने बताया कि all over the world students select होते हैं. बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से आए हैं, बिल्कुल अलग स्किल्स हो सकते हैं, मे बी लाइक यू नेवर नो, बहुत कुछ सीखने मिल रहे हैं साथ के साथ, और साथ के साथ कनाडा में घूम रहे हो. सो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट टू बी श्योर कि आप लोगों को कोई भी पैसे नहीं खर्चना पड़ता 1 रुपया भी. नहीं नहीं, लाइक वी हैव नथिंग टू स्पेंड फ्रॉम आवर पॉकेट. एंड इसके अलावा वो उनकी और भी है ग्रेजुएट रिसर्च फेलोशिप. And also ki ye wali cheez that all over the world they have like 12 countries selected, Brazil, Mexico,
India, I guess Australia as well, and all that. So 12 countries they have. So we call ourselves the Global Link Research Interns. So that's global, my tax Global Link Research Internship. So we GRIs basically. We are from all 12 countries. So yeah, it would have been fun if we would have traveled to Canada and definitely made a good friends like from all over the world with different skills and different perspectives and all that. तो मेरे को एक छोटा सा डाउट है कि जैसे इस साल आप कोविड की वजह से कनाडा नहीं आ पाए तो आपको फिर भी कोई स्टाइपेंड वगैरह मिल रहा है इंटर्नशिप करने का? We were paid in mid of our internship that amount. ICT की तरफ से नहीं है. Our visa and flights is just cancelled for us. So उसका तो कोई मतलब नहीं बनता है. So AICT is not giving the amount to the scholars. हाँ, मतलब एक remote based हमेशा इतना companies के through India में नहीं मिलता जितना हमें वहाँ पे उस टाइम पे मिल गया है. तो यार ये जो कनाडा नहीं जाना हुआ आपका, ये कोविड की वजह से हुआ है, सो बेसिकली इसी साल है, बट नेक्स्ट ईयर जो भी लोग जाएंगे होपफुली अगर कोविड वगैरह सिचुएशन ठीक हो जाती है, सो दे विल बी ट्रैवलिंग टू कनाडा. या उनका हमारे पास मेल आया था कि वी ट्रांसफर टू आवर जूनियर्स एंड ऑल दैट, सो उन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट दे विल बी ओपनिंग देयर फ्लाइट्स फ्रॉम अक्टूबर, सो इट विल डेफिनेटली बी दैट दे विल बी गोइंग टू कनाडा इफ दे आर सिलेक्टेड फ्रॉम my tax and all that. So yeah, they'll definitely go next batch. तो ये जो पैसे हैं that you're saying कि $5,500 आपको flights के मिलते हैं, $200 आपको per week मिलते हैं खाने पीने के रहने के, तो ये सब जो यार dollars हैं वो कौन देता है? Indian government देती है या Canadian government देती है? एक like lump sum provide करती है दोनों parties की तरफ से, what we can say Canadian government plus AICT in India. We have AICT in India. So the visa expenditure and the flight tickets are covered by AICT. And the weekly stipends are all sponsored by Canadian government. तो ये सारा amount जो होता है वो reimbursed होता है बाद में या फिर आप लोगों को पहले ये पैसे मिल जाते हैं? ये वही आई गेस वीकली बेसिस पे होता है, और जो वीजा का और जो फ्लाइट का आता है दैट इज गिवन इन एडवांस. वी हैव टू ओपन अ कैनेडियन अकाउंट देयर व्हेन वी गो. So a weekly stipend is transferred in that. And also if we go to Canada, like we had in virtual internship as well, that thing, we have a mentor that is basically individually for us. So if we have any problem in Canada, like it's foreign ground, so we are away from home. So if we are stuck in any kind of problem or like facing any issues, so that we can contact a mentor anytime. They come to receive us at the airport and they'll drop us at the location where our stay is for the next 3 months or so. तो पूरी VIP वाली feeling देते हैं जब students वहाँ पे. हाँ, I guess. और yeah. बहुत सही है, very good यार. ये internship करने के बाद skills develop करते होंगे, बहुत knowledge मिलती होगी. इसके अलावा और क्या-क्या चीजें मिलती हैं? When we complete our internship. Like we have 1 year left, so after 1 year a tenure starts, like 3 years or basically it's of 3 years, like in is saal se because of COVID and all that stuff they have done it for 5 years. So within 3 years or 5 years if you want to do masters kisi bhi field mein, this also they have started from this year itself ki kisi bhi field mein if you want to do masters, be it MBA or MS research based or MS course based, so aapko they'll provide 15,000 Canadian dollars while studying in the university. So it will be two part payment, 7500 Canadian dollars, 7500 Canadian dollars for two semesters. So that's the scholarship amount when you'll get if you do masters in Canada. So yeah, उनका basic motive यही है कि बच्चे आके यहाँ पे research या फिर development हो Canada की, so that's what they provide. Okay, so basically आपको वहाँ पे जाने के पैसे government देगी, आपको वहाँ खाने के रहने के पैसे government देगी, then आपको अलग से थोड़े बहुत stipend भी मिलता है, और ऊपर से आपको बाद में करने के बाद $15,000 scholarship भी मिलेगी. Yeah. Yeah, that's it. आपकी तरफ से क्या चाहिए? You must have some knowledge, you have some skills. Totally, totally. If you like have some research papers, research based background, and you are getting so much in return, so it's not like little bit of investment, like just a little bit of investment and so much return. Exactly. तो यार अगर सारी चीज़ों को समराइज करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको माईटैक्स के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर फॉर्म फिल करना है, आपने अपने लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, रिसर्च पेपर्स एंड ऑल ये सब सबमिट करने हैं, एंड एक बढ़िया सी अपनी प्रोफाइल बना लेनी है.
देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल या तो आपको कंसिडरेशन में रखा जाएगा या फिर आपको वेट लिस्ट में डाला जाएगा या फिर सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल टू डू दिस इंटर्नशिप। देन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो अराउंड 3500 प्रोजेक्ट्स में से आपको अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग 7 प्रोजेक्ट चूज करने होंगे, देन उनमें से किसी एक प्रोजेक्ट के लिए आपको फाइनल कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके वीज़ा एंड फ्लाइट्स का खर्चा AICTE देगी, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, एंड द टोटल अमाउंट इज़ अराउंड 5700 कैनेडियन डॉलर्स। कैनेडा में आने के बाद आपको $200 पर वीक मिलेंगे रहने के लिए, खाने पीने के लिए, विच इज़ आई थिंक मोर देन इनफ। एंड सबसे बड़ी चीज़, यू विल गेट स्कॉलरशिप वर्थ ऑफ $15,000 इफ़ यू डू मास्टर्स इन कैनेडा आफ्टर योर इंटर्नशिप, विच इज़ सिंपली ऑसम। ऊपर से आपको एक बहुत ही क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर के अंडर प्रोजेक्ट करने का मौका मिलेगा। सो आई थिंक दिस रिसर्च इंटर्नशिप इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स, एंड मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट को ये इंटर्नशिप ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। अगर मैं होता तो मैं हर साल ये इंटर्नशिप अप्लाई करता और कोशिश करता कि इतने सारे बेनिफिट्स के साथ मैं कैनेडा आ सकता। ऐसा कि अगर कोई स्टूडेंट जिसने अभी अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की है, लेटर से वो प्लान कर रहा है ऐसी इंटर्नशिप करने का, तो उसको क्या क्या अपने माइंड में रखना चाहिए? आई गेस सबसे पहले उसको श्योर होना चाहिए कि उसको रिसर्च बेस्ड करनी है इंटर्नशिप या नहीं, बिकॉज काफी लोगों को दे टारगेट फॉर अ PPO जिसको प्लेसमेंट की तरफ जाना होता है। सो इफ ही हैज इंटरेस्ट इन रिसर्च बेस्ड तो उसको डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स के अंदर में काम करना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज थ्रू प्रोजेक्ट्स वी लर्न मेनी थिंग्स। मतलब टीम में कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं, सुपरवाइजर के अंडर में होना चाहिए, एंड जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें ही शुड स्टार्ट डूइंग अ प्रोजेक्ट, एंड दैट कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प, बिकॉज हो सकता है उसका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाए, एंड प्लस ही'ल गेट एन LOI फ्रॉम अ सुपरवाइजर whom he has done work under. So we'll be getting many benefits starting say. So Mika, what are your plans for the future? So is opportunity ko aap kis tarike se use karne wale ho apne future ko develop karne ke liye? I have interest in artificial intelligence, data science. So for now I have decided to gain 1 to 2 years of work experience to have some experience in corporate life so that I can relate what I study further through to real world applications. कौन कौन से field के students apply कर सकते हैं इस internship के लिए? Okay, so engineering में they cover all the parts like chemical हो, mechanical हो, like data science, mathematical engineering. Apart from this, they have social sciences and humanities as well. So different fields से different बच्चे, मतलब जिनके अलग अलग skills हैं, they can come to like research based internships and काफी अपॉर्चुनिटीज एंड दे हैव लाइक एम्पल ऑफ प्रोजेक्ट, सो सबको अपनी अपनी स्किल्स पे कोई ना कोई मिल ही जाएगा वो टाइम से। और इंटर्नशिप की ड्यूरेशन कितनी होती है? ओके, इंटर्नशिप इज लाइक 12 वीक्स, जो आपको 12 वीक्स करने ही करने हैं, 3 months बेसिकली अप्रोक्सीमेटली। सो उसके ऊपर अगर करना है तो सुपरवाइजर कर सकता है, उसकी चॉइस पे है, बट दिस इज एन ऑसम अपॉर्चुनिटी जो मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स को एक बार अप्लाई तो करना ही चाहिए, चाहे उनका नाम आए या ना आए, उनको इंटर्नशिप मिले या ना मिले, एटलीस्ट उनको अप्लाई करना चाहिए, एक बार आजमा के देखना चाहिए, मे बी उनको मिल जाए। बिकॉज थर्ड ईयर में हम लोग इतनी इंटर्नशिप्स ट्राई कर रहे होते हैं और देयर इज नो रिस्क और हार्म, बिकॉज अगर आएगा भी एटलीस्ट यू हैव ट्राइड। अब एप्लीकेशन में इफ यू विल गो थ्रू LORs, एक बार रिफाइनिंग या रिसर्च रैशनल लिखोगे, यू विल गेट टू नो अबाउट योरसेल्फ, या कुछ ना कुछ तो डेवलप हो गई ना। दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम यार, मेरे को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मेरे को इंस्पिरेशन मिली। So thanks a lot for coming on this video and naya time nikalne ke liye. So तो ये थी मिहिका, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आप में से बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हुए होंगे जस्ट लाइक मी। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप फ्यूचर में भी इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो। और अगर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कॉमेंट आप मेरे बारे में देना चाहते हो अबाउट माई वीडियोज, सो प्लीज कॉमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दोज। एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।